हेलो स्टूडेंट्स, ये एक टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं, एमयू अप्रोच, इसका एक क्वेश्चन बोर्ड में आता रहता, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी कंडीशंस को जरा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली जो इसकी कंडीशन है कि जो रेशियो है एमयू एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू एमयू वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई। थोड़ा इसको सिंपल करके अगर बोलें कि एमयू का तो मतलब हो गया बेनिफिट या फ़ायदा हमें कितना हो रहा है, तो हम रेशियो जो लेते हैं वो लेते हैं ये जो बेनिफिट आ रहा है अपॉन प्राइस, क्योंकि हो सकता है बेनिफिट किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा आ रहा हो बट प्राइस उससे भी ज़्यादा हो, तो नेट तो कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम पर यूनिट, पर प्राइस का अगर हम देखें कि जो प्राइस के हिसाब से पर रुपी कितना उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग एम यू अपॉन प्राइस कर देते हैं। ऐसी एक्स का और वाई का बराबर हो, यानी दोनों के पर प्राइस देखें तो बेनिफिट सेम आ रहा है, तो ये हमारी कंडीशन है। बट इसके अंदर हमारा इस टाइप से आ जाता है कि अगर इस कंडीशन का अगर हम एक साइड को बोल लें एल एच एस, दूसरी को आर एच एस, सिंपल करके, तो इसमें एक ऐसा आ जाता है कि अगर एल एच एस साइड बड़ी है आर एच एस से, मतलब एम यू एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई, तो क्या चेंजेस होंगे। अब जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि एम यू का तो मतलब हो गया फायदा कितना मिल रहा है हमें उससे, तो अगर एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स वाला हिस्सा बड़ा है तो मतलब फायदा अपॉन प्राइस, यानी ये ऑप्शन बड़ा है एक्स का, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्स को खरीदने में ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू वाई। तो इसका मतलब अब जो कंज्यूमर है वो एक्स को ज़्यादा लेगा, क्योंकि रुपये के हिसाब से हम देखें तो पर रूपी एम यू यानी उसको जो बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो एक्स में ज़्यादा आ रही है, इसलिए वो एक्स को ज़्यादा खरीदेगा और वाई को कम खरीदेगा। तो बजट तो उसका है फिक्स है, तो अगर उसको एक्स को ज़्यादा खरीदना है तो ऑटोमेटिकली वाई को उसको कम करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर अब सोचेगा कि मैं एक्स को ज़्यादा खरीदूँ, वाई को कम कर देता हूँ, क्योंकि एक्स में उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। बट एक बात है जो हमने पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था, या मैंने साइड में रफ वर्क कर दिया, मेन में तो जरूरत नहीं है बट रफ के लिए मैंने ये समझाने के लिए बनाया। तो ये लॉ कहता कि अगर हम कोई चीज़ को ज़्यादा खाएंगे तो जो उसमें से हमें बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने न्यूमेरिकल डाल दिया, यूनिट्स बढ़ेंगे 1, 2, 3, तो जो हमारा एम यू है वो कम होता जाएगा, यानी जो उसमें से हमें फ़ायदा मिलना है, बेनिफिट मिलना है, सेटिस्फेक्शन मिलनी है, वो कम होती जाती है। तो इस लॉ को हमें यहाँ पर यूज़ करना है कि जैसे कंज्यूमर कह रहा था मुझे एक्स में ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो अब वो एक्स को बढ़ाएगा और वाई को कम करेगा। तो अब इस कंसेप्ट में ये वाला जो लॉ है डिमिनिशिंग एम यू वाला, ये लगा देते हैं कि जब वो ज़्यादा एक्स को लेगा, बाइंग मोर यूनिट ऑफ एक्स, इससे धीरे धीरे जो एम यू एक्स है वो कम होने लगेगा, और अगर एम यू एक्स कम होने लगेगा तो जो एल एच एस साइड है एम यू एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स, वो पूरी की पूरी कम होने लगेगी, यानी एल एच एस धीरे धीरे गिरने लगेगा, जो हमने ऊपर कंडीशन देखी थी। लेकिन साथ साथ उसको, क्योंकि वाई को भी कम करना है क्योंकि उसके पास बजट फिक्स है, तो अगर वो वाई को कम करेगा, अगर हम यहाँ इस टेबल में देखें किसी यूनिट को अगर हम कम करेंगे, 3, 2, 1 ऊपर आएंगे, तो जो एम यू है वो बढ़ने लगेगा वापस। तो फिर से एक बार बोलूं, एक्स को टेस्ट ज्यादा आने की वजह से हम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो एम यू एक्स है वो कम होने लगा और एल एच एस यानी एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स भी कम होने लगा। बट क्योंकि अब वो वाई को कम करने लगा है, लेस यूनिट्स ऑफ वाई, तो इससे जो वाई का एम यू है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा यूनिट्स बढ़ रहे हैं, एम यू गिर रहा है, और अगर एम यू ऑफ वाई बढ़ेगा तो इससे जो आर एच एस साइड है यानी एम यू वाई अपॉन पी वाई, वो बढ़ने लगेगी। तो ऐसा कंज्यूमर तब तक करता रहेगा जब तक दोनों एल एच एस आर एच एस बराबर ना हो जाए, यानी एम यू एक्स अपॉन प्राइज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन प्राइज ऑफ वाई ना हो जाए। अब हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि एल एच एस साइड छोटी पड़ गई, यानी
यानी एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, तब क्या होगा? तो इसका मतलब फिर वही जैसे अभी हमने पहले देखा, एम यू का तो मतलब हो गया कितना उसमें से फायदा आ रहा है, और अपॉन प्राइस इसलिए हम कर देते हैं कि फायदा प्राइस के हिसाब से पर रुपी अगर हम बोलें। तो अगर ये सिचुएशन है कंज्यूमर की कि आर एच एस साइड बड़ी है यानी एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई बड़ा है, तो मतलब उसको वाई खरीदने में ज्यादा फायदा है, तो क्या करेगा कंज्यूमर? जैसे पहले था, अब वाई में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको, तो कंज्यूमर वाई को बढ़ाएगा, पर बजट फिक्स है इसलिए मजबूरन एक्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आर एच एस साइड बड़ी है, एम यू ऑफ वाई मतलब फायदा वाई से ज्यादा मिल रहा है एक्स के मुकाबले, तो वो वाई को ज्यादा खरीदेगा और एक्स को कम खरीदेगा। अब फिर से वही रफ वर्क वाला अगर हम लॉजिक लगाएं, अब तो वो वाई को ज्यादा खरीद रहा है, तो वाई अगर ज्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो एम यू वाई से आने लगेगा वो कम होने लगेगा, और एक्स को कम कर रहा है, कम करेंगे अगर हम तो जो एम यू है वो वापस बढ़ने लगेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो ये एल एच एस आर एच एस में आर एच एस साइड बड़ी है, तो उसने वाई को ज्यादा खाया, वाई को ज्यादा खाता गया यूज करता गया, खाने का प्रोडक्ट है या यूज करने का प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, तो धीरे धीरे जो बेनिफिट वाई से मिलेगा वो कम होता रहेगा, तो यानी आर एच एस साइड धीरे धीरे कम होने लगेगी, बट साथ साथ एल एच एस पे भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो एक्स को कम कर रहा है, और एक्स को कम करेगा तो यहाँ हमने ये लॉ देखा है कि एम यू वापस बढ़ने लगेगा। तो किस टाइप से होगा, नेक्स्ट पेज कर देते हैं। वाई को उसने बढ़ा दिया, बाइंग मोर यूनिट ऑफ वाई, तो एम यू वाई कम होने लगा, जिसकी वजह से एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई पूरा गिरने लगेगा, यानी आर एच एस धीरे धीरे गिरने लगेगा। अब एक्स को तो उसने कम कर दिया, और अभी हमने पीछे लॉ देखा है कम करने से फिर एम यू वापस बढ़ने लगता है, और अगर एम यू बढ़ने लगेगा मतलब एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसका न्यूमरेटर बढ़ने लगा है। तो कंज्यूमर ऐसा करता रहेगा, यानी वाई को ज्यादा लेना और एक्स को कम लेना, ऐसा चलता रहेगा, जिसकी वजह से आर एच एस धीरे धीरे गिरता रहेगा और एल एच एस बढ़ता रहेगा, और अल्टीमेटली दोनों एक लेवल पे बराबर हो जाएंगे। तो यानी आर एच एस बड़ा हो एल एच एस बड़ा हो, आखिरकार होना वापस दोनों को बराबर ही है। शॉर्ट में दोबारा बोल दूं, ये इक्वेशन लिखी हुई है, अगर एल एच एस साइड यानी एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स वाली बड़ी है, तो मतलब उसको एक्स में टेस्ट आ रहा है, एक्स को बढ़ाएगा वाई को कम करेगा, और एक्स को बढ़ाने के चक्कर में एम यू ऑफ एक्स बेनिफिट जो मिलना है वो कम होता रहेगा, और वाई को जब वो कम करेगा तो एम यू ऑफ वाई बढ़ने लगेगा, यानी एल एच एस गिरता रहेगा और आर एच एस बढ़ना चालू हो जाएगा जब तक ये बराबर ना हो जाए। और अगर आर एच एस बढ़ा है एम यू वाई वाले साइड, तो मतलब वाई में ज्यादा टेस्ट आ रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो वाई को बढ़ाएगा एक्स को कम करेगा, जिसकी वजह से फिर वही जो रफ वर्क में समझाया था, एम यू वाई गिरने लगेगा, आर एच एस गिरने लगेगा, और एल एच एस को कम करने से, एम यू एक्स को कम करने से एल एच एस वापस बढ़ने लगेगा और अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन की डिटेल थी, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ऐसी जो हमारी सेकंड कंडीशन है, वैसे वो कंडीशन तो खैर उसको क्या बोलें, वो एक टाइप से पूरा बेस ही है इस पूरे कंसेप्ट का, कि एम यू जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। एम यू बोल लें या थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो बेनिफिट हमें मिलना है उसको यूज करने से, कोई भी चीज हम लगातार लगातार यूज करते रहें, लगातार खाते रहें, तो उससे जो हमें बेनिफिट टेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है फ्रॉम ईच सक्सेसिव कंजम्पशन, तो जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम यू भी बोलते हैं। तो यानी ये दो कंडीशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी में, एम यू अप्रोच में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।